गाइज, मैं मेरे YouTube चैनल पे कुछ ऐसे कंटेंट्स लाना चाहता हूँ जो कि हिंदी में आपको इंडिया के कोई भी YouTube चैनल पे नहीं मिलेंगे। ऑब्वियसली बॉडी बिल्डर के फिजिक अपडेट्स, उनके कंपटीशन रिजल्ट्स आपको सारे चैनल पे मिलेंगे, बट बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कोचेस अपने एथलीट्स के बारे में क्या कह रहे हैं, और एक छोटी छोटी चीज़ के बारे में मैं आपको अपडेट दूंगा। और मैं काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप मेरी वीडियो पसंद कर रहे हो बिकॉज आपको एक यूनिक कंटेंट मिल रहा है, यूनिक फैक्ट्स आपको हिंदी में पता चल रहे हैं, बिकॉज हम इंग्लिश में देखना पसंद नहीं करते। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मैं नहीं कहूँगा, वो अगर आप कंटेंट अच्छा रहेगा, क्वालिटी रहेगी, देन डेफिनेटली करोगे, बट जस्ट वीडियो को लाइक करते हुए आप आगे बढ़ना। तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हाल ही में हनी रैम्बॉर्ड का पॉडकास्ट हुआ था पूरे एक घंटे का, जो कि मैंने देखा और हिंदी में ट्रांसलेट किया आप लोगों के लिए। और दोस्तों, वो पॉडकास्ट देख के मुझे पता चला हनी रैम्बॉर्ड की लेवल, उनके नॉलेज की लेवल, उनकी ह्यूमैनिटी की लेवल, एंड क्यों उनके नाम पे 22 ओलंपिया टाइटल्स है। सबसे पहले दोस्तों हम ये देखते हैं कि हनी रैम्बॉर्ड ने अपने एथलीट्स के बारे में क्या कहा। जब इंटरव्यू ने उनको हाड़ी चुपन के बारे में पूछा कि हाड़ी चुपन के क्या अपडेट्स है, उनका अगला प्रोटोकॉल क्या है, तो हनी रैम्बॉर्ड ने बताया कि हाड़ी चुपन फिलहाल अपने कंट्री में एंजॉय कर रहे हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और काफ़ी जगह पे उनको एज अ गेस्ट बन के जाना है, लोगों को स्पीच देनी है, लोगों को इंस्पायर करना है। एंड जैसे इराक, इजिप्ट जैसी कंट्रीज जो होती है वो बॉडी बिल्डर को बहुत सारा रिस्पेक्ट देती है एंड उनको ज़्यादा सेलिब्रेशन भी करवाती है। जैसे कि बी ग्रैमी चैंपियन बने थे ओलंपिया के, पूरे एयरपोर्ट पे तो तबाही मच गई थी, एंड हाड़ी चुपन का भी सेलिब्रेशन किस तरीके से हुआ था आप सारे लोगों ने देखा है। उन्होंने ये भी कहा कि हाड़ी चुपन अभी इस टाइम पे पूरे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के किंग बन चुके हैं, तो वो एज अ किंग बींग किंग एंजॉय कर रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं। और उसके बाद तो वो ये भी कहते कि इस साल हाड़ी चुपन के साथ उन्होंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था, तो वो उनको मिस कर रहे हैं, बिकॉज उनके रिलेशन एक एथलीट के साथ कुछ ऐसे होते कि वो उनके फ्रेंड पहले होते, उसके बाद वो उनको क्लाइंट मानते हैं। और इसी से हाड़ी चुपन की ह्यूमैनिटी पता चलती है, हनी रैम्बॉर्ड की ह्यूमैनिटी पता चलती है कि कितने वो अपने क्लाइंट्स के साथ एज अ फ्रेंडली नेचर मेंटेन करते हुए रखते हैं। तो वो कहते कि सुन, अभी उनके पास से मैं अपडेट्स लूँगा एंड उनके ऑफ सीजन में हम हार्ड वर्क करेंगे बहुत सारा, जैसे कि बैक में उनकी विड्थ बढ़ानी है एंड उनके ओवरऑल मसल्स में क्वालिटी पुट ऑन करनी है, बिकॉज उनको अपना टाइटल दोबारा डिफेंड जरूर करना होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट हाड़ी चुपन, जो कि हनी रैम्बॉर्ड ने कहा था। उसके बाद इंटरव्यूअर सेकंड क्वेश्चन उनको क्रिस बमस्टर्ड के बारे में पूछता है, तो हनी रैम्बॉर्ड सबसे पहले हंसते बिकॉज वो कहते कि नेपाल के जो शिवम वायरल हुए हैं, मतलब जो बॉडी बिल्डर एग्जैक्टली शिवम के जैसे दिखते हैं, वो एक ग्रेट शेप में है, ऐसा हनी रैम्बॉर्ड कहते हैं, और उनकी पोजिंग भी ऑन पॉइंट है, उनकी मुस्टाच, उनकी हेयर स्टाइल काफ़ी हद तक मैच करती है क्रिस बमस्टर्ड के साथ। और उसके बाद वो क्रिस बमस्टर्ड के बारे में बात करते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि उनके आर्म्स को उनको सबसे पहले हील करना है, जो इंजरी उनके आर्म्स में हुई थी। और जैसे कि हर साल क्रिस बमस्टर्ड 3 महीने का ऑफ लेते हैं आफ्टर द ओलंपिया, बट वो कहते हैं कि मैं इतना लंबा ऑफ उनको दूंगा नहीं, बिकॉज आपको पता है कि हनी रैम्बॉर्ड का ट्रेनिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, वो ज़्यादा मसल मास पुट ऑन करने पर काम नहीं करते, वो स्लोली वर्क करते हैं बट मसल क्वालिटी पुट ऑन करते हैं। इसी वजह से उनके जो डेरिक लंसफर्ड है, उनके हाड़ी चुपन, उनके फील है, सारे बॉडी बिल्डर के पास एक क्वालिटी मसल्स थे, तो वही वो बिल्डअप करने का कोशिश करेंगे क्रिस बमस्टर्ड के फिजिक में भी, एंड कुछ जो उनके फ्लॉज है वो उन पे वो काम करेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने क्रिस बमस्टर्ड के बारे में अपडेट दिया था। और इसके बाद हनी रैम्बॉर्ड ने अपने और एक एथलीट के बारे में अपडेट करी थी, जो कि है मोहम्मद फुडा। उन्होंने कहा था कि इन्होंने 2021 में एक प्रो शो खेला था, उसके बाद उन्होंने सोचा कि उनको ओपन क्लास में स्विच होना है, तो डेफिनेटली उन्होंने क्वालिटी मसल मास पुट ऑन करने में फोकस करा, बट 2022 में उनको अनफॉर्चुनेटली इंजुरीज हो गई, तो उन्होंने अभी इंजुरीज पे वर्क किया, इंजुरीज पे उन्होंने रिकवरी ली, और 2023 के लिए वो कम्पीट करने वाले हैं, बट उसके पहले वो एक लंबा ऑफ सीजन लगाएंगे, ऐसे हनी रैम्बॉर्ड कहते हैं कि उससे पहले मैं उनकी हेल्थ कंडीशन चेक करूंगा, इफ एवरीथिंग इज फाइन देन डेफिनेटली विल किक द ऑफ सीजन, ऐसा हनी रैम्बॉर्ड बताते हैं। और सभी को पता है कि उनका ऑफ सीजन कितना एक लीन गेनिंग के साथ होता है हनी रैम्बॉर्ड के, सारे ही स्टूडेंट्स का, सारे एथलीट्स का, बिकॉज वो क्वालिटी मसल मास पे पुट ऑन करते हैं और क्वालिटी पे फोकस करते हैं, और जो डाइट करते हैं वो भी क्लीन कैलोरीज का इंटेक करते हैं। कभी भी आप उनके एथलीट्स को पिज्ज़ा, बर्गर इन जैसे सोर्स से क्वालिटी या फिर कैलोरीज गेन करते हुए नहीं देखोगे, बिकॉज वो कम्प्लीटली लीन गेनिंग पे फोकस करते हैं, इसलिए लीन डाइट फॉलो करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट मोहम्मद फुडा। उसके बाद इंटरव्यूअर उनको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता है कि क्या कभी हम हनी रैम्बॉर्ड डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, तो हनी रैम्बॉर्ड ने बताया था कि डेफिनेटली, बिकॉज लाइफ में बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज है, या फिर मेरा खुद का ब्रांड है, मेरा खुद का ट्रेनिंग प्रोटोकॉल है, तो डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्री तो बन सकती है, बट मैटर ये करता है कि कितने लोग एक्साइटेड है, कितने लोगों को ये लगता है कि वो देखना चाहते हैं। अगर लोग देखना चाहते हैं और कोई बना रहा है मुझ पर, देन डेफिनेटली मैं करूँगा, और ये जर्नी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, लेगेसी अभी तक चालू है, तो मैं सोचूंगा कि थोड़े टाइम बाद ऐसा कुछ हम प्लान करें। तो ये एक रिएक्शन था, एक रिस्पांस था हनी रैम्बॉर्ड का। तो क्या हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे डॉक्यूमेंट्री, आप डेफिनेटली कमेंट्स में बताना।
अगला क्वेश्चन हेनरी रामबर्ट को ये आता है कि एक बॉडी बिल्डर जिसकी एज 50 ईयर्स है या फिर 50 अबव है, या फिर एक नॉर्मल इंसान है जिसकी भी एज 50 ईयर अबव है और वो जिम करना चाहता है, तो आप उनको क्या जिम टिप्स दोगे? तो हेनरी रामबर्ट कहते हैं कि डेफिनेटली मैं उनको बताऊंगा कि आपको हेवी वेट पे पुश नहीं करना है खुद को, आपको लाइट वेट लगाना है। बिकॉज जब आप 40 अप हो जाते हो, आप 50 अप हो जाते हो, तब आपके लिगामेंट्स जॉइंट्स उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहते, तो आपको कभी भी इंजरी हो सकती है और आपको करियर एंड करना होगा डिप्रेशन के साथ। तो अगर आप ओनली लाइट वेट पे फोकस करोगे, माइंड मसल कनेक्शन स्ट्रांग रहेगा, देन ये जर्नी आप बहुत आगे तक कंटिन्यू रख सकते हो और एज अ जिम लवर आप इस जर्नी को और ज़्यादा पुश कर सकते हो। जस्ट आपको लाइट वेट विद प्रॉपर माइंड मसल कनेक्शन फॉलो करना होगा। वो तो कहते हैं कि 40 के एज के बाद ही मैं खुद को कंट्रोल करूंगा कि मैं एक्सट्रीम वेट पुश ना करूं, बिकॉज उस एज में पीआर लगाना कोई भी एक अच्छी बात नहीं होगी, बिकॉज बहुत सारी इंजुरीज होगी और इंजुरीज का सामना करते हुए आपको आगे की लाइफ स्पेंड करनी होगी दोस्तों। और ये आंसर मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगा, बल्कि अगर कोई मुझसे पूछता देन डेफिनेटली मैं भी ये बताता। और एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर कोच होने के नाते हेनरी रामबर्ट ने काफ़ी पॉजिटिव मैसेज दिया है सारे लोगों को, बिकॉज आप सभी को पता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, बट दोस्तों बॉडी बिल्डिंग में एज बहुत मैटर करता है। जैसे कि फिलिथ का अभी एज हो गया है तो उनकी बॉडी उनको ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करती, इसलिए वो कम बैक नहीं कर रहे। उनका कहना बिल्कुल राइट है कि आपके लिगामेंट्स आपके जॉइंट्स उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहते। जेनेटिकली हो सकता है कि किसी का, बिकॉज 40 के एज में भी 50 के एज में भी जो कमा ले करनी है वो हेवी वेट्स पे ट्रेन करते हैं, तो डेफिनेटली उनकी जो आदत रही है और उनकी जेनेटिक्स भी काफ़ी अच्छे है कि वो इस टाइम पे इतना ज़्यादा पुश करे खुद को। बट हेनरी रामबर्ट ने एक एवरेज जनरल एडवाइस दिया सारे लोगों को और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सही एडवाइस उन्होंने दिया है, सारे लोगों को फॉलो ज़रूर करना होगा। लास्ट क्वेश्चन हेनरी रामबर्ट से ये पूछा जाता है कि एक वीगन बॉडी बिल्डर ओलंपिया में टॉप लेवल तक जा सकता है या फिर नहीं। तो हेनरी रामबर्ट ने डायरेक्टली इसका आंसर नो कर दिया है, बिकॉज वो कहती है कि डेफिनेटली इट्स अबाउट जेनेटिक्स, जेनेटिक्स भी मैटर करते हैं कि एक बॉडी बिल्डर के कितने स्ट्रांग जेनेटिक्स है। बट फिर भी वीगन में प्रोटीन का काउंट सबसे कम रहता है एंड जो लुसीन एक एमिनो एसिड होता है वो मसल बिल्डिंग में सबसे मेजर रोल प्ले करता है, जो कि वीगन में इतना ज़्यादा पाया नहीं जाता, जो कि अलग से हम सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, हेनरी रामबर्ट बताते हैं। बट फिर भी वो कहते हैं कि जो रिक्वायर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। उसके बाद हेनरी रामबर्ट ने यह भी कहा कि अगर मेंस ओपन की बात करी जाए देन मुझे नहीं लगता कि टॉप 10 में कोई वीगन बॉडी बिल्डर आ सकता है फ्यूचर में। अगर स्ट्रांग जेनेटिक्स हो देन आ भी सकता है, पॉसिबल है, बट टॉप 10 में आना मुझे मुश्किल लगता है। उसके बाद वो क्लासिक की भी बात करते हैं, जैसे कि क्लासिक में लेग्स में इनर लाइंस आउटर लाइंस काफ़ी ज़्यादा विजिबल एंड मसल्स क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है अगर क्राइटेरिया की बात करें तो। बट वीगन बॉडी बिल्डर को ये अचीव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, ऐसे हेनरी रामबर्ट कहते हैं। बट वीगन लोग जो देख रहे हैं उनको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। हेनरी रामबर्ट ने यह कहा है कि अगर आप पुश करोगे स्ट्रीम, अगर आपकी जेनेटिक्स अच्छे होगे देन डेफिनेटली एक दिन आप कम्पीट ज़रूर कर सकते हो ओलंपिया लेवल तक। दोस्तों उसके बाद मुझे पैट्रिक मोर का ये अपडेट ज़रूर कवर करना ही था, बिकॉज दोस्तों जिस तरीके से उनके लेग्स में इनर लाइंस दिख रहे हैं, लेग्स में डीप सेपरेशन दिख रहा है, ओवरऑल आर्म्स डोमिनेटिंग लग रहे हैं, डेफिनेटली उन्होंने जो ऑफ लिया था 2022 में उन्होंने डेफिनेटली अपने बॉडी पे काम करा है, अपने साइज पे काम करा है, बिकॉज वो हमेशा से एक कंप्लीट बॉडी बिल्डर है, सारे मसल्स प्रेजेंट है, जस्ट उनको अपने साइज पे काम करना था, जो कि उन्होंने अच्छे तरीके से किया है। सो जो चैंपियंस की लाइन है अर्नोल्ड क्लासिक 2023 की, निक वॉकर, एंड्री जैक, सैमसन दुदा, शॉन क्लेडा, उस लाइन में, उस लाइनअप में कहीं ना कहीं अभी पैट्रिक मोर भी आ चुके हैं और इनसे मुझे काफ़ी सारे उम्मीद है, हो सकता है कि टॉप 3 क्रैक करे, बिकॉज कंडीशन का उनका कोई इशू नहीं रहता था पहले भी, बट अब देखते हैं कि सिमेट्रिकली उन्होंने कितना ग्रो करा है खुद को। सो दैट्स ऑल अबाउट पैट्रिक मोर एंड दैट्स ऑल अबाउट हेनरी रामबर्ट, जो कि आज के वीडियो में मैंने शेयर किया। दोस्तों हेनरी रामबर्ट के ऊपर आपका क्या थॉट है? मुझे तो वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट कोच लगते हैं एंड एक लिविंग लीजेंड लगते हैं। आपको क्या लगता है डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, और वीडियो कैसे लगा वो भी कमेंट्स में बताओ। क्या चेंजेस होने चाहिए थे, क्या इंप्रूवमेंट्स रहने चाहिए, डेफिनेटली हर एक तरीके का एडवाइस आप मुझे देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, स्टे ट्यून एंड लव यू ऑल।